नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी। इक्कीस एक तेरी है जमीन, उसका हमने आगे भी अध्ययन किया था और मैंने आपको स्वाध्याय पोथी में प्रश्नों और प्रश्न के उत्तर दोनों कहे थे। मुझे आशा है कि आप सबने वो प्रश्न के उत्तर अपनी स्वाध्याय पोथी में लिख लिए होंगे। आज फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम स्वाध्याय पोथी में ही आपके जो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है वो और व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे और मैं आपको उसके उत्तर भी लिखाऊंगी, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छी तरह से सुनेंगे। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना करनी है आप सबको। चलो बच्चों, यह चित्र देखकर मैं आपको एक कहानी कविता बताती हूँ और उसके आधार पर आप अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे ही है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कणकण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है कोई नदानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, तुमसे सारा जहान सुख पाता, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। यह फिर से मैं दोहराती हूँ और आप भी अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब का, धरती का कणकण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा कोई न दानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, तुमसे सारा जहान सुख पाता, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। चलो बच्चों, यह मैंने कविता की रचना करके आपको यह कविता सुनाई। अगर आपको भी अच्छी और आपको इससे भी अच्छी आती हो तो आप अपनी तरह से कविता की रचना कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो आप यही कविता लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में आता है निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन क्या, एक वस्तु होती है उसे एक वचन कहते हैं क्योंकि वह एक है, और एक से अधिक होती है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वचन परिवर्तन करने का है। पहला है नदी, नदी तो नदियाँ। दूसरा है किताब, किताब तो किताबें। तीसरा है दरवाजे, दरवाजे यहाँ बहुवचन में है तो दरवाजे यानी क्या आएगा, दरवाज़ा। चौथा है कला, तो बहुवचन में आएगा कलाएं। पांचवा है कौवा, तो क्या आएगा, कौवे। छठा है धातु, तो क्या आएगा, धातुएं। सातवां है सड़के, तो क्या आएगा, सड़क। आठवां है कुत्ता, तो क्या आएगा, कुत्ते। नौवा है कमरा, तो क्या आएगा, कमरे। दसवां है आँख, तो क्या आएगा, आँखें। ग्यारहवां है महिलाएं, तो क्या आएगा, महिला। और बारहवां है मछली, तो क्या आएगा, मछलियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद है और नई सूचना दी गई है, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनना, ठीक है। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन तीन शब्द बनाइए। यहाँ पर एक एक शब्द दिया गया है, उसका इस्तेमाल करके हमें और तीन शब्द बनाने हैं, ठीक है। पहला है चो, तो चो का क्या आएगा, चौराहा, चौमासा, चौपाई। फिर से दोहराती हूँ, चौराहा, चौमासा, चौपाई। दूसरा है बिन, बिन बात, बिन ब्याहा, बिन कहे। उत्तर फिर से बोलती हूँ, बिन बात, बिन ब्याहा, बिन कहे। फिर तीसरा है पर, उसके उत्तर बोलती हूँ, पर, परलोक, परदादा। फिर से बोलती हूँ, परलोक, परदेश, परदादा। फिर चौथा है अन, तो उसके शब्द आएंगे अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। उसके शब्द आएंगे अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। पांचवा है अधः, उसके शब्द आएंगे अधमरा, अधजला, अधलिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। पहला है मनुष्य, तो मनुष्य है, ठीक है। यहाँ पर हमें यह प्रयुक्त शब्द है जो है उनमें प्रत्यय ढूंढना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है या तो लिखा हुआ है, ठीक है। मनुष्यता, तो आएगा मनुष्य,
प्लस ता यानी मनुष्यता। फिर आता है धनवान, धनवान यानी धन प्लस वान यानी धनवान। फिर बाद में आता है रसोईया, रसोई प्लस ईया यानी रसोईया। फिर है इकहरा, तो उसका आएगा एक प्लस हरा एटले इकहरा। फिर उसके बाद आता है धोखेबाज, धोखा प्लस बाज यानी धोखेबाज। फिर है बलवती, बलवत प्लस ई, यहाँ पर कौन सी आएगी, बड़ी ई आएगी, बलवत प्लस ई यानी बलवती। फिर उसके बाद दिया गया है वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक वचन हो उसे बहुवचन करने का है और बहुवचन हो उसे एक वचन में करने का है, ठीक है। मैंने कविता लिखी, यहाँ क्या है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मैंने कविता, कविता यानी एक ही कविता, मैंने कविता लिखी तो क्या आएगा, हमने कविताएं लिखी। मैंने का हो जाता है हमने, कविता का हो जाता है कविताएं, और लिखी का लिखी ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमने कविताएं लिखी। फिर आता है यह मेरी किताब है, यह मेरी यानी कि सिर्फ मेरी किताब यानी कि एक किताब है, यह मेरी किताब है। तो आएगा ये हमारी यानी कि हम सबकी किताब है, उत्तर आएगा ये हमारी किताब है। फिर आता है इसे लड्डू दे दो, हम कहते हैं ना इसे एक को लड्डू दे दो, तो आता है इन्हें लड्डू दे दो, इन सब को लड्डू दे दो, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है प्रवृत्ति, दिखाई दे रहा है आप सबको, यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी भाषा के दो प्रार्थना गीतों का संकलन तैयार कीजिए, वे गीत लिखिए। यहाँ पर अपने आप से आपको ढूंढ कर लाने हैं और अच्छी तरह से हिंदी भाषा के दो प्रार्थना गीत, अगर प्रार्थना गीत न मिले तो आप श्लोक भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने यह जो समझाया और उसके उत्तर दिए, यह आपको घर से लिख के लाने हैं, ठीक है, अच्छी तरह से लिखना। धन्यवाद।